धन्यवाद प्रभात और दीक्षा। आप सभी से एक निवेदन है कि इस प्यारी सी शाम को सुरों से सराबोर करने के लिए इन दोनों बच्चों का तालियों से स्वागत करें, एक बार बहुत जोरदार तालियों से उनकी भी हौसला अफजाई हो। और अब औपचारिक आगाज इस शाम का हमारे बीच हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी यहां पधार चुके हैं। मैं आपसे ससम्मान निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आएं और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद मैं आदरणीय वेंकटेश पांडे जी से निवेदन करूंगा, नगर निगम रीवा के परिषद अध्यक्ष, वो भी आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे क्लब हमारे साथ हमारे रीवा के CCF श्री राजेश कुमार राय साहब हैं। मैं बड़े सम्मान से उनको निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आएं और मंच पे अपना, और सह सचिव संजय सिंह चौहान जी आपसे भी निवेदन है कि कृपया आएं और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। चूंकि कार्यक्रम विलंब से है पहले से ही, इसलिए बहुत ज्यादा औपचारिकता में मैं नहीं पढ़ूंगा और अतिथि का सम्मान करना हमारी पहली परंपरा है, तो स्वागत में दो लाइन के अभिनंदन मेहमान का हो के बाद मैं निवेदन करूंगा स्वागत। डॉक्टर अभिषेक गोस्वामी जी यदि यहां पर हैं, मैं
मैं सम्मान से एक बार आवाज देना चाह रहा हूं, उमेश सिंह जी जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो आए, और चूंकि मंचासीन है हमारे सचिव भी आनंद सिंह जी भी, तो उनका स्वागत करें बुके से, जो है उनका स्वागत की परंपरा बनती है। अच्छा नहीं, चलिए आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी का स्वागत करें। और अब हमारे क्लब के सदस्य, हमारे अपने विधायक, मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, रीवा नगर पालिक निगम के स्पीकर हमारे हम लोगों के छोटे भाई वेंकटेश पांडे जी, रीवा के CCF राय साहब, हमारे क्लब के तेजरार डॉक्टर आदित्य तिवारी जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी संजय सिंह जी, क्लब के हमारे सभी वरिष्ठ सदस्यगण, क्लब के सभी सदस्यगण, उनके परिवार के सदस्यगण, आप सबका मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दो मिनट में मैं क्लब की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा। इस क्लब की स्थापना 1937 में तत्कालीन महाराजा गुलाब सिंह जी ने अपने पिता स्वर्गीय महाराजा वेंकट रमन सिंह जी के नाम से स्थापित किया था। उस समय रीवा अब तो महानगर की श्रेणी में है, उस समय मुझे लगता है एक छोटा सा गांव रहा होगा जहाँ की कोई मनोरंजन के साधन भी नहीं थे। उस समय इस क्लब की स्थापना इसलिए की गई होगी कि उस समय के जो प्रशासनिक अधिकारी रहे होंगे उनके लिए एक ऐसी जगह रहे जहाँ खेल और मनोरंजन की सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। उस समय क्लब का एक केवल भवन था जहाँ बिलियर्ड, कार्ड रूम और एक टेनिस कोर्ट हुआ करता था, आया गया है। क्लब में जिम की व्यवस्था है, स्क्वैश कोर्ट है, टेबल टेनिस है, बिलियर्ड रूम है, कार्ड रूम है, एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है। जो हम लोगों को मिली है उसके लिए मैं पूरे क्लब परिवार की ओर से हृदय से माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का, उप मुख्यमंत्री जी का आभार ज्ञापित करता हूँ। जो आप एक भवन का यहाँ एक प्रारूप आप देख रहे हैं, ये 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट जो उन्होंने रीडेंसिफिकेशन के माध्यम से वेंकट क्लब को एक सौगात दी है, जो काफ़ी तेजी से जिसका काम भी चल रहा है। और अवगत हमारा जो बैडमिंटन का कोर्ट है उसका सिंथेटिक कोर्ट कराना, उसकी छत की रिपेयरिंग कराना, जब भी हम लोग गए क्लब के किसी भी विकास के लिए उन्होंने कभी किसी बात को मना नहीं किया। और ये 1.5 करोड़ का जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं की देन है। इस पे नीचे देश के जो दूसरे बड़े बड़े क्लब हैं उससे हमारा क्लब एफिलिएट हो सके, पर हर बड़े क्लब की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके यहाँ बाकी तो चीज़ें हैं पर खेल की रुकने की क्या सुविधा है। उस पर हम लोग सब पीछे रहा करते थे और ये भवन तैयार तो जो वहाँ के क्लब की फैसिलिटीज़ है वो भी हम लोग अवेल कर सकेंगे। इस पे कुछ कुछ चीज़ें अभी क्लब की ऐसी हैं, यह है कि विकास एक सतत, हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है, छोटा शहर नहीं जहाँ यहाँ के डॉक्टर ना हो। तो जो हम आज ही हमने वो एक न्यूज़ डाली जिसमें आया था ना कि पहली बार कोई प्लेन आया और वो खजुराहो तक गया, तो इतने कमेंट्स आए, हम लोग एक ग्रुप है सबसे पास आउट होके चला गया डॉक्टर जिसने रीवा का वो सिर्फ अस्पताल चौराहा और इतना ही देखा था, तो उनके इतने आश्चर्य कमेंट आ रहे थे। तो हम लोग क्या करते हैं, आपका फोटो डालते हैं, एक आयाम दिया क्लब के अलावा भी शहर का, उसके लिए भी हम लोग से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और कुछ हमारी अपेक्षाएँ हैं निश्चित रूप से, जब आप कंजूस आदमी के पास कोई नहीं जाता, एक बार जैसे कोई जाएगा अभी तुमको नहीं देगा, तो हमको आप जब देते जाते हैं तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया है। छोटी छोटी चीज़ें हम क्लब के माध्यम से भी कर लेते हैं। सदस्यों में 3 लॉन टेनिस का स्टेट ने भी टूर्नामेंट कराया, और यह कहते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि उनका जो कमेंट हम लोगों के पास आया रिपोर्ट होकर वो इतना अच्छा था, इतना अच्छा में पर रीवा जैसी जगह मुझे कोई नहीं। ये क्लब के लिए हम रीवावासियों के लिए बड़े गर्व की बात होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो स्टेट एंट्री टूर्नामेंट होते हैं उसमें जो होस्ट होता है उसकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती कि वो शटल प्रोवाइड करा देता है, रुकने की, खाने की, ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं कराता। हमने ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर जब तक वो है उसकी व्यवस्था कराई, रुकने का एक औसत दर्जे का जो व्यवस्था हम लोग कर सकते थे वो व्यवस्था हम लोगों ने कराई। ये सब क्लब के तमाम सदस्यों के सहयोग से हुआ है। हमारे क्लब का पैसा भी नहीं लगा उसमें, हम लोग प्रशासन से कोई मदद भी नहीं हमारी, क्लब के सभी सदस्यों बैठ के और इन्होंने आपस में चंदे करके इतने अच्छे कार्यक्रम किए हैं। और हम आगे भी इस तरह का प्रयास जारी रखेंगे। हमारी कुछ कुछ छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं, आपने ये जो इतनी बड़ी सौगात हमें दी
इसमें कुछ छोटी सी हमारी और आवश्यकताएं हैं, इसकी फर्निशिंग इसमें नहीं जुड़ी हुई है। मैं चाहूंगा अगर किसी माध्यम से इसकी फर्निशिंग और पूरे क्लब की एक लैंडस्केपिंग इसमें जुड़ जाए तो एक क्लब के लिए बड़ा वरदान साबित होगा। दूसरा, हमारी ये जो बिल्डिंग है जिसको आप देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। लोग बताते हैं 100 साल से ज़्यादा की पुरानी बिल्डिंग है, कभी इसमें पुलिस हेडक्वार्टर हुआ करता था। अब इसकी छत जो है वो काफ़ी खराब स्थिति में हो चुकी है। हम लोगों ने सिद्धिस उसके रंग रोगन करके इसको भी सजा की जरूरत रखा है, पर इसकी छत बहुत खराब हो चुकी है, जिसको पूरी रिपेयर की ज़रूरत है। हमारा निवेदन है कि इसको इसी हेरिटेज लुक के साथ इसका लुक इसी तरह बना रहे, और इसकी छत की रिपेयरिंग अब हम लोग याचना ही कर सकते हैं, डिमांड ही बता सकते हैं, बजट कहाँ से आएगा, किस तरह होगा, ये हम अब ये आपसे निवेदन कर सकते हैं, इसका भी एक बार रिनोवेशन करा दिया जाए। बाकी हम छोटी छोटी आवश्यकताएं क्लब के सदस्यों के सहयोग से पूरी कर लेते हैं। एक और हमारी रिक्वायरमेंट है जो सिर्फ हमसे पर नहीं जुड़ी है, शायद शहर के तमाम लोगों से जुड़ी हुई रिक्वायरमेंट है, एक स्विमिंग पूल हमारे क्लब की ज़मीन में बना हुआ है। पहले ओरिजिनली ये क्लब की ज़मीन थी, पुलिस होती है, वेंकटेश भाई जी हैं बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि नगर निगम से उसको का प्रॉपर संचालन हो जाए। ये बड़ा एसेट है और युवा शहर के लिए, और ये स्विमिंग पूल इंटरनेशनल लेवल का है। इसका डाइविंग, इसका मतलब यहाँ इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट हो सकते हैं, पर पता नहीं किसी कारणों से वो नियमित संचालन उसका नहीं हो पा रहा है। अगर मेरे भाषण में कोई त्रुटि हुई हो, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, सुनने की आदत ज़्यादा है, बोलने की आदत कम होती है डॉक्टरों की, कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा पाती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद सिंह जी, और अपने स्वागत उद्बोधन में इतनी सारगर्भित बातें क्लब के लिए, क्लब के विस्तार से संबंधित इस बहुत बढ़िया स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हमारी बीच की जो कार्यक्रम की कड़ी है, मुख्य कड़ी है, जो जिसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, अभिनंदन समारोह, तो सबसे पहले हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी का स्वागत हम करना चाहेंगे शॉल श्रीफल और एक मोमेंटो से। मैं आवाज़ दूंगा डॉक्टर आनंद सिंह जी को, डॉक्टर आदित्य तिवारी जी को और संजय सिंह चौहान जी को कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। ये धरती तो अच्छा लगेगा। और अब मैं आवाज दूंगा हमारे कार्यकारिणी के सदस्य उमेश सिंह जी। इस कार्यक्रम के बाद स्वर्गीय भोज का भी आयोजन है, इसलिए तालियां बजाते रहिए। उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए। आने के बाद भाई साहब कोई नहीं बजाएगा। इससे गुरेज करते होंगे, इससे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। आदरणीय शुक्ला जी के बारे में ज्यादा बोलने की और बताने की जरूरत नहीं है, शहर के बाशिंदों के लिए कम से कम। एक कहावत याद आ रही है कि यदि हमारे जो सपने हैं वो निश्चित तौर पे बड़े होने चाहिए, हमारी इच्छाएं उससे भी बड़ी होनी चाहिए, और हमारे प्रयास, हमारी प्रतिबद्धताएं सबसे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। उसकी जीवंत मिसाल हैं आदरणीय शुक्ला जी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 20 सालों में हम लोग रीवा को बदलते हुए देख रहे हैं लगातार, वो शायद अकल्पनीय था। हम लोग भी यहीं के पढ़े हैं, यहीं हम लोग पैदा हुए। नड्डा जी भी शायद नहीं है, नड्डा जी यहाँ पे नहीं है, उनके बेटे हैं यहाँ पे। करतल ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन इस सम्मान के। आप वहां से सिर्फ तालियां ही दे सकते हैं, वो तालियां सभी का उत्साहवर्धन करेंगी। श्री डी आर शाह साहब, श्री अर्जुन सिंह चौहान जी, आप वहीं पर रहें,
श्री जयंत खन्ना जी, उस समय एक चीज फेमस हुआ करती थी, जब ताश खेला करते थे वो सुबह हो जाया करती थी और उस सुबह को जलेबी राउंड बोला जाता था कि भले से अभी जलेबी और आलू बंडा खा के ही जाना है। बहुत बड़ा योगदान है दोनों भाइयों का, राजीव भाई साहब की कृपया। आजकल जितने हमारे क्लब के प्रतिष्ठा में है वो कमल समाज श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे राजीव भाई साहब। कमल गुप्ता बहुत वरिष्ठ चीफ इंजीनियर से होकर रिटायर हुए हैं और वर्तमान में आरडीसी सही है। जो आज यहाँ रीवा में उपस्थित नहीं है, लायंस क्लब के बहुत सीनियर मेंबर थे, हमारे क्लब के बहुत सीनियर मेंबर और इस क्लब के वाइस प्रेसिडेंट, मैं चाहूंगा कि सम्मान को ग्रहण करें। आज का आयोजन का पूरा दायित्व भी उनका ही है। अभी शाम को इन्होंने सर मुझे फोन किया कि मेरी पत्नी को उठा खड़ा है, तो हमने कहा हमारा फंक्शन ही खड़ा हो जाएगा, आप तो क्लब आ जाओ, मैं वहां जाके उनकी देखभाल। हेलो राम साथ से टेनिस बैडमिंटन बिलियर्ड्स ताश पिच सर मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री परम सदस्य श्री राजेंद्र शुक्ला जी, सीसीएफ साहब, हमारे बड़े भाई इस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद सिंह जी, आदरणीय तिवारी जी, संजय सिंह जी, विभू जी, उपस्थित सभी क्लब के सदस्यगण एवं उनके परिवार लोग। अब इस क्लब के बारे में क्या बोलूं, डॉक्टर साहब ने भी एक बात कही स्विमिंग पूल के लिए, डॉक्टर साहब दो चार दिन के अंदर जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो आपसे मिलेंगे और उस पर क्या किस तरह करना है, किस तरह उस पर तेजी लाए उस पर आप बताइएगा, उस पर जल्दी से जल्दी होगा। इसके भूमि पूजन से आज भी आपने मुझे बुलाया, मैं आपका आभारी हूँ। इस भूमि जब आपका जो ये क्लब बनना है नया भवन, उसके भी भूमि पूजन में आपने मुझे बुलाया था, तब डॉक्टर साहब मैंने आपसे एक चीज़ कहा था कि आप मांगने में कंजूसी कर गए, देने वाले को पहचान नहीं पाए। आपने उस समय भी हमने कहा था कि आपने जो मांगा कम मांगा, पर आपने जिस नेतृत्व से ये मांग की है, पूरी उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपकी सभी जो भी मांगे हैं पूर्ण होंगी और इसके बाद भी आप मांग करते जाइए, सामने वाले ऐसे नेतृत्व हैं जो देते जाएंगे, आपको निराशा नहीं लगेगी। धन्यवाद। तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें हों, जमीन पे चांद रोज रोज कहाँ उतरता है। और अब बारी है हमारे आज के मुख्य अतिथि की, उनका उद्बोधन सुनने की, क्योंकि बहुत व्यस्ततम समय से व्यस्ततम शेड्यूल से वो समय निकाल कर यहाँ पे आए हैं, तो बहुत सम्मान के साथ उनको आवाज दूंगा। आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी यहाँ आए और अपना आशीर्वचन दें। आज के बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित नगर निगम के स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, वेंकट क्लब के सचिव आदरणीय डॉक्टर आनंद सिंह जी, आदरणीय सीसीएफ राय साहब, आदरणीय डॉक्टर आदित्य तिवारी जी मंच पर उपस्थित हैं,
डॉक्टर और आदरणीय संजय सिंह चौहान जी, जिन्होंने रतारा तालाब का काम किया है, अभी हम लोग लोकार्पण करके आ रहे हैं, और यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ सदस्य जिनका भी हमने अभिनंदन किया है, उनको मिला के जो हमारे राम प्रसाद जी को मिलाते हुए, और उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज आपके बीच में आकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। चुनाव के पहले एक बार यहाँ पे इसी प्रकार से कार्यक्रम हुआ था, माहौल में आपके बीच में एक और शुरुआत की खुशी है कि आप सब वेंकट क्लब का जो डेवलपमेंट हुआ है उसको लेके एक और संतुष्ट हैं, काफ़ी कई गतिविधियों में आगे बढ़ा। वहीं दूसरी ओर लंबे समय से मांग रही कि यहाँ पर एक नया ब्लॉक बन जाए, देखिए वहाँ का क्लब थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर दिखता था, तो जो कमी थी उस कमी को दूर करने के लिए जो आपकी मांग रही, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि इतना फर्नीचर नहीं, तो इसलिए इसको भी बहुत जल्दी ये बिल्डिंग बनते बनते उसकी भी सेंक्शन आ जाएगी, और क्योंकि फर्नीचर का और अंदर के जो है चीज़ें ये उसी का तो महत्व होता है, और हमें भोपाल और जबलपुर के जो क्लब है उसको पीछे करना है, अभी किसी भी मामले में किसी से पीछे नहीं रहना चाहता है। यहाँ पर किए गए हैं और उनके सारे मकान को तोड़ के 10 एकड़ का शहर के हृदय स्थल में शानदार पार्क, क्योंकि मुझे याद है वो दिन भी याद है जब लोग कहते थे कि आपके यहाँ कोई अच्छा पार्क नहीं है, गढ़ लेके गए थे, शहर में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको हम दिखा सकें, लेकिन आज रानी तालाब, फिर चरोला तालाब, फिर रतारा तालाब बन गया, झलबद्री तालाब भी बहुत अच्छा बना रहे हैं। जो भी ज़रूरी विकास के काम के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है वो सारा काम हो रहा है। चुनाव के समय चूँकि आप सारे लोग बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग यहाँ पर बैठा है, चुनाव के पहले लोग पत्रकार मुझसे पूछते थे क्या काम बचा है रीवा में, क्या करेंगे इस बार, तो हमने कहा कि रीवा की जो तस्वीर बदली है वो सिंचाई का 3 लाख एकड़ में जो सिंचाई का पानी पहुँचा है उसके कारण बदली है। मैं हमेशा खरीदी बिक्री बढ़ेगी, उससे अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, होटल खुलेंगे, नए अस्पताल खुलेंगे, उस इलाके में ये सब काम होते हैं जहाँ पर लोगों की पेइंग कैपेसिटी के अंदर इसको 6 लाख एकड़ करेंगे और 5 सालों में इसको 9 लाख एकड़ करेंगे। तो मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी है, अभी सरकार बने हुए 2-2.5 महीने हुए हैं, इसका मतलब कि अब पैसा मंजूर कराने की आवश्यकता नहीं, 6,000 करोड़ कुछ होता है, लेकिन आर्थिक समृद्धि के मामले में हिंदुस्तान का सबसे बेहतर क्षेत्र बनाने का जो संभावनाएं हैं रीवा में, रीवा में बनती कहीं नहीं, इतना 40 मिलियन बहुत होता है, इतना नहीं होगा। तो हमने सोचा ये IAS अधिकारी रहे, मोदी जी ने बिल्कुल पारखी की तरह इनको चुना है, तो थोड़ा हम भी कंफ्यूज हो गए, फिर जब बाहर आए तो फिर हम गाड़ी में बैठ के और सारे सीमेंट प्लांट वालों को फ़ोन लगाया, अल्ट्राटेक वाले को लगाया, JP वाले को लगाया, मैहर वाले को लगाया, KGS वाले को लगाया, प्रिज्म वाले को लगाया, उनको भाई कितने मिलियन टन का सीमेंट प्लांट है आपका, सबको नोट करके फिर जोड़ा तो 39.5 मिलियन टन आया। तो हमने कहा कि दिल्ली में बैठे हुए लोग जिनका बड़ा एक्सपोजर है वो इस बात को लेके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि 40 मिलियन टन सीमेंट हमारे यहाँ पैदा होती है। मुझसे कहते हैं कि आप 4-5 साल बाद देखना इंदौर के बाद सबसे बिजी एयरपोर्ट रीवा का होगा, मुझसे ही कहते हैं, शायद भूल गए कि मैं उनसे कहता था कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। मुझे को समझाता हमने कहा अच्छा इतना है क्या, किनारे साथ देखिएगा आप, हमने कहा क्यों, तो फिर वही किनारे लगते थे जो मैं उनको गिराता था, सीमेंट हब है, पावर हब है, नेशनल पार्क है, इरीगेशन का नेटवर्क है, तो ये जो 9 लाख एकड़ में पानी पहुँचेगा तो हमें लगता है कि अभी कितने 4-5 फ्लाईओवर बने हैं,
तो चार छह और बनाए, बाईपास रिंग रोड हमें और भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे रीवा में जब किसानों के जेब में पैसा आता है ना, ग्वालियर चंबल चंबल संभाग में जब किसानों के जेब में पैसा आता है तो सबसे पहले वो क्या खरीदते हैं? बंदूक खरीदते हैं। उनका स्टेटस सिंबल है बंदूक, ग्वालियर चंबल संभाग में। और हमारे रीवा में जब लोगों के जेब में पैसा आता है तो सबसे पहले चार पहिए की गाड़ी खरीदते हैं, और जिसके पास साइकिल है वो मोटरसाइकिल खरीदता है। सुनील सिंह जी यहाँ पे नहीं है, जो हीरो मोटरसाइकिल है कि हीरो मोटरसाइकिल के जो, अब वो आपको आश्चर्य होगा, वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में एक दो साल पहले कह रहे थे कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हीरो मोटरसाइकिल यदि किसी ज़िले में बिकी है हिंदुस्तान में, बम्बई दिल्ली उल्ली सब शामिल है उसमें, नागपुर अहमदाबाद, सबसे ज़्यादा किसी ज़िले में मोटरसाइकिल बिकी है तो रीवा जिले में। और ये भी कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा जेसीबी मशीन हिंदुस्तान में यदि किसी ज़िले में बिकी है तो रीवा ज़िले में बिकी है। हमसे उन्होंने कहा कि आप भाषणों में बोल सकते हैं, हमने कहा यार ये आंकड़े उकड़े सही है कि नहीं है कि हम कोई ऊपर पकड़ ले फंस जाए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे अवार्ड मिला है, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। हमने कहा कैसे क्यों हुआ, कि गाँवों में इतना पैसा आ रहा है लोगों के पास बाणसागर के कारण कि वहाँ परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। इसलिए रीवा में जो व्यापारी वर्ग के समाज के लोगों से भी मैं पूछता हूँ, पहले कितना कपड़ा बिकता था अब कितना बिकता है, पहले कितना इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बिकते थे अब कितना बिक रहा है, तो सारे लोग बताते हैं कि बाणसागर की नहरों का जब से पानी पहुँचा है तब से हमारे यहाँ अब हमारा व्यापार जो है चार गुना पाँच गुना हो गया है, चाली होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था तो मजबूत हो गया है, इसलिए हम सबका भविष्य बहुत अच्छा है। और लोग को जाता है कि आप लोगों ने लगातार अपना आशीर्वाद और सहयोग बना के रखा, इसलिए अब उनकी भाषा बदल गई है, कुछ लोग सफकाए हुए भी हैं, यदि ऐसे ही चलता रहेगा तो कहीं हम ही ना पीछे हो जाए जो पहले कहते थे कि हम। धन्यवाद। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए मंच से, और मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज देना चाहूँगा श्री डी एस साहनी जी के पुत्र गुरमीत साहनी जी हमारे बीच में हैं, कृपया आएं, और उनका भी सम्मान यहाँ पर था पर वो लाइट जाने के कारण मेरे दिमाग से वो स्लिप हो गया, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ गुरमीत जी, प्लीज आएं आप। सर परम सम्माननीय माननीय राजेंद्र शुक्ल जी मुख्य अतिथि, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री वेंकटेश प्रसाद जी, स्पीकर नगर निगम राय साहब सी सी एफ रीवा, अन्य सम्मानित मंच पे विराजमान लोगों के, सम्मानित किए गए सभी सीनियर मेंबर्स, बहनों एवं भाइयों, आज इस सम्मान की वेला में हम लोगों ने माननीय राजेंद्र शुक्ल जी और अन्य लोगों का जो सम्मान किया है वो तो बहुत छोटा है। राजेंद्र शुक्ल जी का सम्मान करने के लिए तो सारा मध्य प्रदेश उत्सुक रहता है, हम लोगों ने यहाँ सम्मान करके अपना सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि हमारे सारे क्लब के लिए बहुत सारी धन संपत्ति दी है जिससे हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से विकास किया है। आप सब इसके गवाह हैं कि हमारा क्लब थोड़े से उस 20 साल में बहुत ज़्यादा बदल गया है, और मैं आभारी हूँ सम्माननीय मंच का, माननीय राजेंद्र शुक्ल जी का, वेंकटेश प्रसाद जी का, राय साहब का, और अपने सभी क्लब मेंबर्स का जिन्होंने आकर इस सम्मान समारोह में गरिमा बढ़ाई है, धन्यवाद। ये वाला लाग बहुत मुश्किल हो गया, हां सीधे करिए।
क्या